नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दुनियादारी आइडिया फॉर लाइफ में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी पॉलिसी में क्या क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ध्यान से देखना, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो के साथ। थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव बीमा उनके उद्देश्य और कवरेज के बारे में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव बीमा के बीच में अंतर जानते हैं। यह क्या है? थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कार चलाने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम कानूनी स्तर है। यह आपको कवर करता है यदि आप किसी और की संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं या ड्राइविंग करते समय उन्हें घायल करते हैं, और आपको यात्रियों को भी इसमें कवर किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा एक कवरेज है जो आपके वाहन को बदलने या मरम्मत के लिए भुगतान करने में मदद करता है। अगर यह चोरी हो जाए या एक ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो जाए जिससे आपको कोई टक्कर नहीं हुई है, तो कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे कभी कभी टक्कर के अलावा कवरेज भी कहा जाता है, आमतौर पर आग, बर्बरता या गिरने वाली वस्तुओं जैसे कि पेड़ से नुकसान को कवर करता है। कवरेज डिटेल्स पे आते हैं तो थर्ड पार्टी पॉलिसी में यह केवल थर्ड पार्टी के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है, जैसे कि दुर्घटना या टक्कर के कारण आप किसी थर्ड पार्टी के व्यक्ति या उसके वाहन या थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति को चोट पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आपको व्यक्तिगत चोट या मृत्यु से बचाने के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल होता है। कॉम्प्रिहेंसिव में अपने और अपनी कार के लिए होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा सुरक्षा अलग से लेनी होती है, इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव बीमा कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बीमा हादसे के कारण हुए नुकसान के अलावा वाहन चोरी होने पर भी मुआवजा दिलाता है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। लाभ आ जाते हैं, इसमें क्या लाभ है? यदि आप सड़क पर थर्ड पार्टी पॉलिसी में यदि आप सड़क पर किसी को गलती से चोट पहुंचाते हैं या किसी के वाहन संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह आपकी सुरक्षा करेगा। इस तरह आप जानते हैं कि ऐसी घटनाओं में आपको अपनी जेब खाली करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यह आपकी खुद की कार और तीसरे पक्ष के नुकसान दोनों को भी बचाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी नुकसान में खत्म नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप हर साल एक बीमा नवीनीकरण के दौरान NCB नो क्लेम बोनस का लाभ उठा सकते हैं जिसका आप दावा नहीं करते। जैसे कि आप कोई पॉलिसी निकालते हैं, उस साल अगर आपका कोई भी डैमेज या एक्सीडेंट नहीं होता तो आप अगले साल जब रिन्यू करेंगे पॉलिसी को तो आपको नो क्लेम बोनस दिया जाएगा कि आपका पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं हुआ, इसके लिए आपको नो क्लेम बोनस दिया जाता है। अब आ जाते हैं सीमाएं, लिमिटेशन क्या है दोनों पॉलिसियों के बीच में। थर्ड पार्टी पॉलिसी में यह आपकी कार को डैमेज होने वाले नुकसान के लिए कवर नहीं करता है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में यह आपको डैमेज क्या बाकी बहुत सारी चीज़ों से कवर करता है, लेकिन यह थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा है दोस्तों। अब आ जाते कस्टमराइजेशन और अधिक विकल्प। तो दोस्तों थर्ड पार्टी पॉलिसी इस कार बीमा योजना के तहत कोई विकल्प संभव है ही नहीं, मतलब इसमें कोई विकल्प नहीं मिलता है आपको। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में यह आपको एडिंग स्पेसिफिक एडवांस देता है, जीरो डिप्रिसिएशन कवर देता है, इंजन और गियरबॉक्स प्रोटेक्शन देता है, रिटर्न टू इनवॉइस की सुविधा है, ब्रेकडाउन असिस्टेंट की सुविधा और बहुत कुछ। अब आ जाते प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव कार बीमा की तुलना में थर्ड पार्टी पॉलिसी बहुत ही सस्ती है। यहाँ जो प्रीमियम मूल्य आपकी कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी के आधार पर IRDAI द्वारा पहले से ही निर्धारित होती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में इसमें कीमत अधिक है। यहाँ प्रीमियम कई और चीज़ों के आधार
आधारित है, जैसे कि आप जिस शहर में ड्राइव करते हैं, आपकी कार का मेक एंड मॉडल, और निश्चित रूप से एड ऑन्स जो आप चुनते हैं यदि कोई हो तो। जो जो फैसिलिटी आप लेते जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में, उतना प्रीमियम आपका बढ़ते जाएगा। अब मैं आपको बता दूं किस लिए आपको कौन सी पॉलिसी में जाना चाहिए। थर्ड पार्टी पॉलिसी, यदि आप वर्तमान में एक बहुत पुरानी कार चला रहे हैं या शायद ही आप कभी ड्राइविंग करते हैं, तो शायद आपके लिए एक ये मूल थर्ड पार्टी बीमा होना पर्याप्त है। लेकिन हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हालांकि थोड़ा महंगा है, लेकिन यह योजना आपको अधिक लाभकारी साबित करने के लिए बहुत पूर्ण कवरेज देगी। इसके अतिरिक्त यदि आप एक वर्ष में कोई दावा नहीं करते हैं तो भी आप नवीनीकरण के दौरान नो क्लेम बोनस छूट का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी नई गाड़ी है या एक या दो साल पुरानी है लेकिन गाड़ी का जो IDV है, इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकालिए। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी आप नई गाड़ी का निकालते हैं और अगर कुछ लॉस होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकालिए। फ्रेंड्स मैं सब चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी है। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।